एमपी के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा में आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सिरमौर से बनाए गए सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एमपी में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सभी दलों ने तैयारी कर ली है, समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी कर ली है और सबसे आगे हम हैं। कांग्रेस की जब सरकार बननी थी तब सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन समाजवादी पार्टी से मांगा था। सच बोलोगे तुम जेल चले जाओगे। मध्य प्रदेश में यूपी के तर्ज पर, अब मुझे मध्य प्रदेश का नहीं पता लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर कोई पत्रकार साथी दाल में ज़्यादा पानी की खबर चला दे मुकदमा लग करके जेल, कोई पत्रकार अगर सच्ची रिपोर्ट सड़क की दिखा दे झूठा मुकदमा लगा के पुलिस पीछे। तो अब मुझे मध्य प्रदेश में नहीं पता है कि यहाँ क्या व्यवस्था है। देखिए बुलडोजर कि चाबी तब खो जाती है जब बीजेपी के लोग घटना करते हैं, जब कई बीजेपी के लोग काम करते हैं, अन्याय बीजेपी के लोग करते हैं, भूमाफिया बीजेपी के लोग बन गए हैं तो उनकी बुलडोजर की चाबी खो जाती है। और ये बुलडोजर संस्कृति कोई अच्छी संस्कृति नहीं है। क्या आप कोर्ट को बाईपास कर देंगे, नियमों को बाईपास कर देंगे? तो देखिए ना क्या हाल है और उसका परिणाम देखिए। जनता नाराज है, ऐसा नहीं है कि जनता नाराज नहीं है। आम आदमी पार्टी की देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।